Welcome curious minds, myself Professor Kun Joshi and this is our channel Kun Joshi Biology. We teach about 11th and 12th standard students biology depending upon their NCERT syllabus and other state board syllabus. In this video series, we will be covering 12th standard chapter Human Health and Disease. This chapter is very important for all of us, not just for the students who study biology. For the students appearing for entrance exams, this chapter is specifically important because there are certain topics like AIDS, cancer, malaria and immunity which are very important. This is the part 1 of the chapter. Let's go. So today we are starting with the chapter number 8, 12th standard NCERT textbook, Human Health and Diseases. This chapter, again, as I've already told you, it is very important from entrance exam point of view as well as your board exams point of view. इस chapter में बहुत सारे ऐसे questions हैं जो repetitively पूछे गए हैं, be it malaria, be it types of cancer, be it the structure of HIV virus, okay? उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जैसे इम्यून सिस्टम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ओके, ड्रग अब्यूज और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. फिलहाल विल स्टार्ट द चैप्टर, विल जस्ट इंट्रोड्यूस द चैप्टर इन द स्लाइड. फर्स्टली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें आपको इनिशियली ये वर्ड ह्यूमर मिलेगा, HUMOR, ह्यूमर्स, ठीक है. ग्रीक फिजियोलॉजी में ऐसे बोला जाता है कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमर्स, जैसे फोर टाइप के ह्यूमर्स हैं, ओके. ह्यूमर्स आर नथिंग बट यू कैन कंसिडर इट एज अ बॉडी फ्लूइड, ओके. ग्रीक फिलोसॉफी के अकॉर्डिंगली जो पर्सन के पास ब्लैक बाइल ज्यादा होता है, ब्लैक बाइल इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लिक्विड दैट इज सिक्रेटेड बाय किडनीज एंड लिवर्स. बेसिकली आप उसको समझ सकते हो कि वो टाइम पे डाइजेस्टिव जूसेस को ब्लैक बाइल बोला जाता था, कि अगर जिसके पास ब्लैक बाइल का काउंट ज्यादा या जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है एंड दैट पर्सन गेट्स वेरी एंग्री ऑफन एंड दैट पर्सन कैचेस अ फीवर वेरी इजीली, ओके. बहुत सारे ऐसे अलग अलग एंशियंट ग्रीक फिजियोलॉजी, एंशियंट इंडियन आयुर्वेदा में भी आपको अलग अलग टाइप के बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पता चलेगा, जैसे वाट, कफ, पित्त, ऐसे अलग अलग फ्लूइड्स है जिसके अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी टाइप डिसाइड होता है और हमारे बॉडी के डिसऑर्डर्स डिसाइड होते हैं. और जो इंडियन आयुर्वेदा के बारे में यहां पर दिया नहीं है, ओके, यहां पर आपको ग्रीक फिजियोलॉजी के बारे में ह्यूमर दिया है, ब्लैक बाइल दिया है, ओके. बट ये रिफ्लेक्टिव थॉट था, मतलब देयर वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशनल ट्रेट, इसका कोई साइंटिफिक या इसका कोई ऐसा कुछ प्रूफ या ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज विलियम हार्वी जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ब्लड सर्कुलेशन इन आर बॉडी एंड देन ही नोटिस कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ओके. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव दैट गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ. मतलब जो ब्लड कोई पर्सन में जिसमें ब्लैक बाइल ज्यादा था उसका टेम्परेचर मेजर किया गया, ओके, और फिर नोटिस किया गया कि ऐसा कुछ उनका टेम्परेचर हाई नहीं होता, दे आर नॉट प्रोन टू फीवर. तो ये जो थ्योरी था, ये जो गुड ह्यूमर का जो हाइपोथेसिस था कि अगर ये पर्टिकुलर लिक्विड ज्यादा है तो आपको बीमारी ज्यादा होगी, ये डिसअप्रूव हो गया, ओके. बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिसमें आता है हिपोक्रेटिस भी आता है, हिपोक्रेट्स भी आता है, ही ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स थ्योरी. इट वॉज लेटर जब बायोलॉजी ने डेवलप किया तब हमें पता चला कि न्यूरल सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये तीन सिस्टम मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग वंस हेल्थ, ओके. और फिर हमने देखा कि हेल्थ में नॉट जस्ट द फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो द मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. नाउ विल सी वॉट आर द फैक्टर्स बाय विच द हेल्थ इज अफेक्टेड, कौन से रीजन से हेल्थ अफेक्ट होता है. जैसे हमने पहले देखा था कि जो एंशियंट नॉलेज था, जो ग्रीक फिजियोलॉजी था, ओके, जिसको बहुत सारे बड़े बड़े ग्रीक फिलोसोफर जैसे हिपोक्रेट्स ने सपोर्ट किया था, गुड ह्यूमर का हाइपोथेसिस वो विलियम हार्वी ने डिस्प्रूव कर दिया था, ओके. अब हम देखते हैं कि हेल्थ एग्जैक्टली किस किस चीजों की वजह से अफेक्ट होता है.
हमने ये भी देखा था कि इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम, ये मेजर सिस्टम्स है जो हमारे हेल्थ को या हमारे बॉडी के हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन से एग्जैक्ट फैक्टर्स से हेल्थ अफेक्ट होता है। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको पता है ऐसे डिसऑर्डर्स जो हमको फ्रॉम आर पेरेंट्स मिलते हैं, मतलब कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ डिजीजेस जो पेरेंट्स में थी, वो वहां से आप में आई है, द ट्रेट्स विच आर इनहेरिटेड टू यू, या कुछ डिफेक्ट आपके अंदर इनहेरिट हुआ है वाया योर पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देन कोई भी इन्फेक्शन, जैसे आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपको नहीं खाना चाहिए था, या आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ गए जो जिसको फ्लू था तो आपके पास वो इन्फेक्शन आ गया, तो जो भी पैरासाइट या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में आके आपके अंदर एज अ पैरासाइट रह के आपको इन्फेक्ट करते हैं, वो इन्फेक्शन से भी आपका हेल्थ अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा लाइफस्टाइल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस काफी काफी रेलेवेंट है, काफी फेमस है। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दैट वी, डिपेंडिंग अपॉन दी वाटर दैट वी इनटेक, किस तरह से क्या खाते हैं हम, क्या पीते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ रेस्ट यू आर डूइंग, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग, व्हाट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी योर बॉडी इज परफॉर्मिंग, ये सारी चीजों के ऊपर हमारा हेल्थ डिपेंड करता है, हमारा हेल्थ मैटर करता है। बहुत ऐसा पुराना प्रोवर्ब है दैट वी आर वॉट वी ईट, तो हम जिस तरह से जो खाते हैं हम वैसे ही दिखते हैं। वो सारी चीजें हम देखते हैं, ऑल दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर हेल्थ। नाउ हम कब से ये बोल रहे हैं हेल्थ हेल्थ हेल्थ, लेट्स ट्राई टू डिफाइन हेल्थ। हेल्थ एग्जैक्टली होता क्या है? हेल्थ हम बोलते हैं कि कोई पर्सन हेल्दी है, या कोई पर्सन हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। और दो, ये इंग्लिश का हेल्दी अनहेल्दी और साइंटिफिक हेल्दी अनहेल्दी काफी डिफरेंट है। इनफैक्ट जो हम इंडिया में हेल्दी टर्म यूज करते हैं वो भी काफी डिफरेंट है। जैसे हम ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा ओवरवेट होता है, हम इंडिया में यूजुअली उसको बोलते हैं वो हेल्दी है, वो थोड़ा सा हेल्दी है। विच इज नॉट ट्रू, राइट? जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज स्लाइटली ओवरवेट आप उसको हेल्दी नहीं बोल सकते हो। आप दैट इज अ गुड वे ऑफ कन्वेइंग दैट, बट दैट डज नॉट मीन दैट पर्सन इज हेल्दी। या अगर कोई स्लिम है या अल्ट्रा स्लिम है या जो बहुत ही थिन है या अंडर वेट है, उसको भी आप अनहेल्दी नहीं बोल सकते हो। अनहेल्दी अनहाइजीनिक चीजों को भी हम अनहेल्दी बोलते हैं। तो इंग्लिश वाला डे टू डे वाला हेल्थ अलग है, और ये वाला जो हम हेल्थ यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कंप्लीटली अलग है। हेल्थ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज होता है? नॉट रियली। अगर मेरे पास कोई डिजीज नहीं है, डिजीज क्या होता है? डिस ईज। ईज मतलब हमारा बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, अगर वो सही से चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बोलते हैं हमें डिजीज नहीं है। बट डज दैट मीन कि मैं हेल्दी हूं? वॉट इफ मुझे डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, बट मेरा रेस्पिरेशन सही चल रहा है, मेरा मेरा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आई डोंट हैव डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मेरी सारी चीजें सही है, मुझे कोई भी डिस ईज नहीं है, मेरा जो भी बॉडी का फंक्शन है उसमें कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है, बट डज दैट मीन आई एम हेल्दी? नॉट रियली। तो एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट इक्वल टू हेल्थ, ना ही फिजिकल फिटनेस हेल्थ से इक्विवेलेंट है। इफ अ पर्सन हु इज वेरी फिजिकली फिट, उसके अच्छे मसल्स है, वेल टोन्ड बॉडी है, काफी अच्छा बॉडी है, बट वॉट इफ इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, वॉट इफ इज सफरिंग फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ इलनेस, वॉट इफ इज ही इज सफरिंग फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ ऐसा डिजीज जो क्योर नहीं हो सकता है। तो यू कांट डिटरमाइन अ पर्सन हेल्थ मियरली बाय द एब्सेंस ऑफ डिजीज और बाय अटेनिंग अ फिजिकल फिटनेस। तो हेल्थ एग्जैक्टली है क्या? हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं, हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीटली अगर कोई भी पर्सन फिजिकली हेल्दी है, फिजिकली प्रॉपर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली वेलबींग है, तो वो भी हेल्दी, उसको हम हेल्दी बोलेंगे। उसके साथ साथ देर शुड नॉट बी एनी मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटली ही शुड बी वेरी साउंड, मेंटली ही शुड बी सेन इनफ, कुछ एंग्जाइटी डिप्रेशन मेंटल इश्यूज ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, सोशल इश्यूज नहीं होने चाहिए। सोशल इश्यू स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया और ऐसे कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें सोशल इश्यू बहुत एक बड़ा फैक्टर या बड़ा रोल प्ले करता है इन अ पर्सन हेल्थ। अगर आप सोशल स्टेटस में एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं हो तो देर आर हाई चांसेस कि आप इतने हेल्दी नहीं होंगे जितने बाकी सारे लोग हैं। इफ यू आर फ्रॉम अ इफ अ पर्सन इज फ्रॉम अ लोअर सोशल स्टेटस, उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है,
उसका सोसाइटी में स्टेटस अच्छा नहीं है, तो देर आर लेस चांसेस कि वो पूरी तरह से हेल्दी होगा। हमारे एनसीईआरटी के बुक में ना फिजिकल, मेंटल और सोशल दिया है, मेंटल में साइकोलॉजिकल भी आ जाता है। कुछ कुछ बुक्स में ना द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलबींग दिया जाता है। तो उसमें हम ब्रेन रिलेटेड इश्यूज या और मेंटल हेल्थ को अलग करते हैं, या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजों को अलग रखते हैं फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल में। आई एम सो सॉरी, साइकोलॉजिकल को हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वो सारे के साथ डील करते हैं। यहां पर उन्होंने एक कॉमन टर्म यूज किया, दैट इज मेंटल, क्योंकि तो मेंटल में ही हमारा जो साइकोलॉजिकल वाला टर्म है वो आ जाता है। ओके तो आपको याद रखना है, हेल्दी या हेल्थ इज बेसिकली द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ अ इंडिविजुअल। हमने देखा कि हेल्थ कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हेल्थ का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अभी हम देखेंगे कि प्रॉपर हेल्थ या अ गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बैलेंस डाइट, हमने बचपन से पढ़ा है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, हमारे डाइट में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पर्सनल हाइजीन, वी शुड बी हाइजीनिक, हमें अपने आसपास हमारे खुद को और सारी चीजों को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, हमारे बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए, सो दैट वॉट एवर वी आर ईटिंग दैट इज डाइजेस्टेड वेरी वेल। ओके उसके अलावा योगा एज ओल्ड प्रैक्टिस है, द वर्ल्ड इज मैड ओवर योगा राइट नाउ। ठीक है, सभी लोग दुनिया में हर जगह पर योगा कर रहे हैं, बिकॉज योगा ब्रिंग्स मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ या मेंटल और फिजिकल पीस लाता है योगा। अवेयरनेस होना चाहिए डिजीज के बारे में, स्पेशली राइट नाउ ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। ओके जो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है COVID-19, तो बहुत अवेयरनेस जरूरी है, और हम सब वैक्सीन के लिए रुके हैं कि जैसे ही वैक्सीन आ जाए एंड देन वी कैन रिज्यूम आवर लाइफ स्टाइल बैक टू नॉर्मल। तो ये सारी चीजें हेल्थ से रिलेटेड है। ओके डिजीज क्या होती है, डिजीज जैसे मैंने बोला डिस या डिसकम्फर्ट, जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो नॉर्मल ईज है लाइफ का, उसमें कुछ भी डिसऑर्डर हो जाता है तो हम उसको डिजीज बोलेंगे। इट इज बेसिकली वेन वन और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज अफेक्टेड, जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट हो जाता है तब हम बोलते हैं कि हमें डिजीज हुआ है या वी आर नॉट फीलिंग एट ईज। ओके दो टाइप के डिजीज होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं, आइदर थ्रू फूड, आइदर थ्रू वेक्टर, आइदर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, आइदर थ्रू ब्लड, आइदर थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। तो ऐसे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं डिजीज के। ये सारी चीजें हम लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके तो इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो नॉन ट्रांसमिटेबल है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफर होती है। सपोज एक पर्सन एक्स को कैंसर है, ठीक है, एंड इफ दैट पर्सन एक्स इज मैरिड टू अ पर्सन वाई, ओके दे हैव फिजिकल रिलेशनशिप, दे आर ऑलवेज इन क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, दे आर शेयरिंग फूड, बट वो कैंसर जो है वो एक्स से वाई में नहीं जाएगा बिकॉज इट इज नॉन इन्फेक्शियस या इट इज नॉन कम्युनिकेबल। ओके यहां पर मैंने डिजीज के कुछ नाम दिए हैं, इसमें से एड्स कम्युनिकेबल है तो ये आएगा इन्फेक्शियस डिजीज में, कॉमन कोल्ड फ्लू ये भी इन्फेक्शियस डिजीज में आएगा, ठीक है, टीबी इज अगेन इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर इन्फेक्शियस नहीं, अभी हमने देखा इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके हीमोफीलिया ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होगा बिकॉज ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा। ओके उसके अलावा ड्रग्स एंड अल्कोहल अफेक्ट्स दी हेल्थ एडवर्सली, ड्रग और अल्कोहल जो है ये दो चीजें हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से और बहुत बुरी तरीके से और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर अफेक्ट करती है। ओके सो इसके बारे में भी हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना है, स्पेशली एट दिस टेंडर एज आपको किस तरीके से अपने लाइफ को डायरेक्शन देना है, किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है। ओके एंड अभी हम देख ही सकते कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए एट दिस एरा, जहां पर पूरा वर्ल्ड COVID-19 से लड़ रहा है। हेल्थ इज द मेजर प्रायोरिटी, इसलिए सारी इकोनॉमिक चीजें सभी कुछ बंद है बिकॉज वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन आवर हेल्थ। लेट्स डिस्कस द कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन से कॉमन डिजीज होते हैं, ये चैप्टर में हम काफी सारे डिजीजेस को पढ़ेंगे। ये इसमें से कुछ डिजीज के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ डिजीज आपके लिए नए होंगे, या कुछ डिजीज जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसी को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। इन जनरल यहां पर हम पढ़ने वाले हैं टाइफॉइड के बारे में, निमोनिया के बारे में, कॉमन कोल्ड के बारे में, मलेरिया के बारे में,
एस्कैरिसिस, एलिफेंटियासिस, फिलारियासिस, रिंग वर्म, ये कुछ डिजीज है जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि ये जो कॉमन डिजीज है ये एक्चुअली किस तरह से ह्यूमंस में आती है, हाउ डू दे इंटरैक्ट, व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपन इन आवर बॉडी एंड वो क्या चेंजेस लाते हैं टू इन्फेक्ट आवर बॉडी। ये पूरे चैप्टर में ना हम डिजीज को और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आगे जैसे ही हम डिस्कस करेंगे हम देखेंगे कि ये जो है ये हमारे दुश्मन है और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा आर्मी है। तो हमारे आर्मी का दैट इज आवर WBCs, हमारे इम्यून सिस्टम का वॉर होगा ये दुश्मनों के साथ, और फिर इनके इंटरेक्शन से हमारे बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं हम वो सारे देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये पैथोजन क्या होता है। हम बहुत बार यूज करते हैं कि सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस डिजीज आर कॉल्ड पैथोजन। एग्जैक्टली पैथोजेंस है क्या? पैथोजेंस कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दे कैन बी बैक्टीरिया, दे कैन बी फंगसेस, दे कैन बी प्रोटोजोअन, दे कैन बी हेलमिंथ। वो कोई वर्म भी हो सकते हैं, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, प्रोटोजोआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज कॉज करता है उसको हम पैथोजन बोलेंगे। पैरासाइट और पैथोजन काफी रिलेटेड है मगर दोनों में काफी डिफरेंस है। तो अगर मैं पैरासाइट का बात करूं ना, तो पैरासाइट वो होते हैं जो हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे बॉडी के कोई तो पार्ट के ऊपर रहते हैं। दे लिव ऑन आर होस्ट और दे फीड ऑन दी होस्ट। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, सपोज एक पर्सन को टीबी है तो वो टीबी ट्यूबरक्यूलो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, ये उसके बॉडी में रहेगा। दैट डज नॉट मीन कि वो बॉडी के बाहर नहीं रह सकता है, तो वो पैरासाइट नहीं होगा। वेर इज पैरासाइट वो होंगे एस्कैरिसिस, वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, दे लिव ऑन अस, दे फीड ऑन वॉट एवर वी ईट, वो हमारे न्यूट्रिशन को लेते हैं, देन देयर लाइफ साइकिल गोज ऑन, तो वो पैरासाइट होंगे। उसी तरह से पैरासाइट उन्होंने देखे हैं एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट मतलब वो जो बॉडी के बाहर होते हैं, जैसे मस्कीटोज हो गए, दे फीड ऑन अस, दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड। लाइस हो गई, जू हो गई जो आपके बालों में होती है, वो भी हमारे हेड के स्कैल्प पे रहते हैं, सो इवन दे लिव ऑन अस। तो पैरासाइट होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पैथोजेंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन होस्ट। वो आते हैं, हमें डिजीज कॉज करते हैं और इन्फेक्शन लाते हैं। पैथोजन और पैरासाइट बेसिकली दे ऑल्टर द मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। वो हमारे बॉडी का कोई भी फिजियोलॉजी को या कोई भी मॉर्फोलॉजिकल पार्ट को डैमेज कर देते हैं, एंड दे कॉज डिजीज टू अस। ऐसा नहीं है कि वो उनमें कुछ चेंज नहीं होता है, दे हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन देम सेल्फ। जैसे गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एंटरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमको डाइजेस्टिव डिजीजेस देते हैं या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स देते हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है टू द लो पीएच ऑफ स्टमक। उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, वो डाइजेस्ट ना हो जाए या हमारे एंजाइम्स उनको मार ना दे, उसके लिए वो बैक्टीरिया अपने आसपास एक स्पेशल टाइप का सेल वॉल क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस उनमें भी आते हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव इन आवर बॉडी। तो हम लोग ये पार्ट ज्यादा नहीं देखते हैं, ये आप आगे अगर आप मेडिसिन फील्ड लेते हो तो उसमें आपको आएगा कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स खुद में चेंजेस लाके हमें इन्फेक्ट करते हैं। किस तरह से कोई भी डिजीज कॉज होती है उसमें आप पढ़ोगे। ये वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी किस तरह से लड़ता है। बस इतना याद रखिए कि हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंज लाता है सो दैट इट कैन सर्वाइव इन आवर बॉडी, सो दैट वो अच्छे से डिजीज कॉज कर सके हमको। सबसे पहला डिजीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज साल्मोनेला टाइफी से होने वाला डिजीज, दैट इज टाइफॉइड। साल्मोनेला टाइफी, इसका पूरा नाम एक्चुअली देखा जाए तो साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम है, बट इसको हमने साल्मोनेला टाइफी कर दिया है। इसे टाइफॉइड होता है जिसको हम टाइफस फीवर भी बोलते हैं। दिस एंटर्स आवर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से वो आएगा और उससे थ्रू ब्लड वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा। इट इज हाईली इन्फेक्शियस और इसमें फीवर आ जाता है फॉर अबाउट 39 to 40 degrees Celsius। ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा है, ये जो 104 वाला जो बुखार बोलते हैं ये वो वाला बुखार कॉज करता है। दैट 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, यहाँ पर हमने सेल्सियस लिया है, हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपके बॉडी को अराउंड 2 या 3 डिग्री से बढ़ा देता है, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। उतना अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। हाई फीवर होता है हमारे पास, वी फील वेरी वीक, वी फील टायर्ड, ठीक है, बहुत फटीग होता है, फटीग एज इन
मसल में बहुत पेन होता है, मसल लॉस होता है, स्टमक पेन होता है, ऑब्वियसली ये इंटेस्टाइनल डिजीज है, या एंटेरिक, एंटेरिक का मतलब होता है ऐसा डिजीज जो इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ये एंटेरिक डिजीज है। ओके, तो वो स्टमक पेन करे, कॉन्स्टिपेशन करे, कॉन्स्टिपेशन इज जो मोशन होता है, ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, वो स्मूथ नहीं होता है, इट इज बेसिकली डायरिया का उल्टा। डायरिया में वॉटरी स्टूल्स होता है, यू कांट होल्ड योर स्टूल्स या यू कांट होल्ड योर मोशन, यहां पर द मोशन इज नॉट रिलीज वेरी इजिली, काफी पेनफुल पेनफुल होता है पूरा प्रोसेस, ओके, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। हेडेक होता है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, एपेटाइट लॉस, भूख नहीं लगता है। और इसको कंफर्म करने के लिए, टू चेक वेदर टाइफॉइड है या नहीं, एक टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। विडाल टेस्ट किस तरह से होता है इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग वाला टेस्ट है। विडाल टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, सीटी इज बेसिकली कंफर्मेटरी टेस्ट, टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो बोला जाता है कि अ पर्सन इज हैविंग टाइफॉइड या वो टाइफॉइड पॉजिटिव है। ओके, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, अगर लो टाइफॉइड होता है, हाई टाइफॉइड होता है, ऐसे अलग अलग है। एक क्लासिकल केस है, एक काफी फेमस एग्जाम्पल है टाइफॉइड मैरी का, एक कुक थी, ओके, जिसका नाम था मैरी मेलॉन, मैरी मेलॉन था जिसका नाम दिया था टाइफॉइड मैरी। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात है। शी यूज टू कुक, ओके, शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, और एंड शी वॉज अ कैरियर ऑफ टाइफॉइड। वो ये जो मैरी मेलॉन थी, ये कैरियर थे टाइफॉइड के, विच मीन्स इसके पास टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफॉइड का इन्फेक्शन था, मगर इसके पास कोई सिम्टम्स नहीं थे, ये सारे सिम्टम्स नहीं थे उसके पास, विच मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आप कैरियर हो, मतलब आपसे किसी और पर्सन को हो सकता है मगर वो डिजीज आपको नहीं होगा। ये वर्ड कैरियर आपने काफी सुना होगा, आजकल भी हम न्यूज में बहुत देखते हैं कि एसिम्टोमेटिक स्टेज या एसिम्टोमेटिक कोरोना या कैरियर कोरोना, बेसिकली आपके पास वो डिजीज के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, आप किसी और को फैला सकते हो, ओके, बट नॉट नेसेसरी आपको वो सारे सिम्टम्स होंगे। तो ये कुक थी, मैरी मेलॉन वॉज अ कुक, ओके, एंड शी यूज टू कुक फॉर अदर्स, तो ये काफी सालों तक खाना बनाती रही और काफी लोगों को टाइफॉइड फैला है टाइफॉइड मैरी से, ओके, इसलिए कैरियर स्टेज पे भी इफ यू नो कि आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे बट आप कैरियर हो सकते हो, या आपने ऐसा कुछ बाहर का खाया विच माइट बी इन्फेक्शियस, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर सेल्फ टेस्टेड, ओके, तो आपसे किसी और को ना हो। काफी फेमस केस है, आपको याद रखना है, टाइफॉइड मैरी का, उनका नाम था मैरी मेलॉन, एंड इट इज आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर बट अराउंड 1.5 लाख लोगों को टाइफॉइड हुआ था फ्रॉम टाइफॉइड मैरी। नेक्स्ट डिजीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज निमोनिया। ओके, निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया एक्चुअली एक कंडीशन है, कंडीशन मतलब वो कंडीशन बहुत सारे डिजीज से हो सकता है। निमोनिया क्या होता है, जब हमारे लंग्स के अंदर के जो अल्वियोलाई है या जिसको हम एयर सैक बोलते हैं, वहां पर फ्लूइड फिल हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि निमोनिया हुआ है। तो निमोनिया बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया हमें निमोनिया कॉज करते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दो ऑर्गेनिज्म है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। ये हमारे लंग्स के अल्वियोलाई में लिक्विड फिल हो जाता है या कफ जैसा सब्सटेंस क्रिएट, म्यूकस भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, एंड दैट कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, ओके, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम्स होंगे। इट मे कॉज फीवर्स, चिल्स, ये सारे सिम्टम्स है, कफ होता है, हेडेक होता है, एक्सट्रीम केस में सीवियरली कभी कभार लिप्स और नेल्स जो होते हैं वो भी ब्लूइश ग्रे टर्न हो सकते हैं, ये बहुत रेयर सिम्टम है बट ये भी देखा गया है, ओके, ये जो जो रिसेंट COVID-19 है उसमें भी सिम्टम निमोनिया लाइक सिम्टम्स है, उसमें भी यही सारी चीजें होती हैं। हाँ, ये नेल्स और लिप्स ग्रेइंग वाला नहीं है, उसके अलावा सारी चीजें होती है। उसके पहले जो मैंने आपको टाइफॉइड मैरी के बारे में बताया था, वहां पर इट इज नॉट 1.5 लाख, वो दैट नंबर वॉज द एंटायर टाइफॉइड केसेस ड्यूरिंग दैट टाइम, कंफर्म केसेस फ्रॉम टाइफॉइड मैरी वर 51, अराउंड 51, ओके, एंड 51 या बहुत सारे रिपोर्ट्स में अलग अलग दिया गया है,
So I'm not exactly sure about the data, but around 3 to 4, yeah, around 3 to 6 people were reported dead because of Mary Mellon. तो इसलिए वो काफी फेमस केस हो गया था. अच्छा, अब आते हैं निमोनिया पे. निमोनिया स्प्रेड होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब किसी ने छींका है या खांसा है तो उनके माउथ से और नोज से निकलने वाले जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं या एरोसॉल्स होते हैं वो एयर में सस्पेंडेड रहेंगे, और वो अगर किसी पर्सन ने इनहेल कर लिए तो वो पर्सन में आ सकता है, या तो थ्रू फोमाइट्स. फोमाइट्स आर बेसिकली आर्टिकल्स विच आर यूज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन. तो पर्सन का ग्लास, उसके यूटेंसिल्स, उसके बेडशीट्स, ठीक है, वो सारी चीजें, वो जो पर्सन जहां जहां हाथ लगाता है वो चीजों से स्प्रेड होता है. सेम जैसे आपको पता होगा COVID-19 किससे स्प्रेड होता है, वही तरीके से निमोनिया भी स्प्रेड होता है. उसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग, डिफ्थेरिया, ये भी कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है जो ह्यूमंस में होते हैं. नेक्स्ट डिजीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉमन कोल्ड. ओके, नॉर्मल सर्दी खांसी जिसको हम सो कॉल्ड वायरल फीवर बोलते हैं, वो किससे होता है? अच्छा, बाय द वे, ये जो टर्म कोल्ड है ना, कोल्ड स्टैंड्स फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर. इसको COPD भी बोलते हैं बिकॉज लंग ऑल्सो स्टैंड्स फॉर पल्मोनरी, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर भी बोलते हैं COPD या कोल्ड. ओके, दैट इन्फेक्ट्स आवर नोज एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसमें अगर हमें मेडिसिन को डिटेल में पढ़ना है तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, URT एंड LRT, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. URT में आता है नोज आता है, ट्रकिया आता है, नेजल चेंबर्स आता है, वो सारी चीज आती है, और लंग्स, अल्वियोलाई, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, ये सारी चीजें आएंगी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. जो कॉमन कोल्ड या राइनोवायरस जो डिजीज कॉज करता है वो इन जनरल नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है. ओके, इसमें नेजल कंजेशन होता है, नाक बंद हो जाता है, सोर थ्रोट, गले में सूजन आ जाती है, कफ होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होता है, स्नीजिंग, कफिंग, बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स आते हैं. ओके, फीवर आता है, इट स्टेज फॉर अबाउट 3 to 7 days, 3 to 7 दिन तक होता है, और ये भी फैलता है ड्रॉपलेट और फोमाइट ट्रांसमिशन से. जैसे हमने प्रीवियस वाले भी डिजीजेस देखे हैं, ड्रॉपलेट से मतलब अगर एक पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका है या खांसा है तो उसके बॉडी में से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स है दैट रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, और अगर आपने वो उन्हें इनहेल किया तो यू कैन हैव दैट डिजीज. ओके, फॉर्माइट ट्रांसमिशन जैसे पेन, रूलर, कीबोर्ड, माउस, जो नॉर्मल डे टू डे चीजें यूज होती है उससे आपको हो सकता है. ओके, एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा. ओके, सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है, हमें जब भी सर्दी खांसी होता है, ये सीजनल फ्लू बोलते हैं इसको, कभी हमको सर्दी खांसी होता है, ओके, ये राइनो वायरस की वजह से ही होता है, और हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम का फंडामेंटल बोलता है हमें कि हमें जो भी डिजीज एक बार होता है, जो भी इन्फेक्शन एक बार होता है वो वापस नहीं हो सकता है. तो वाई देन एवरी ईयर या एवरी ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर हमें कॉमन कोल्ड होता है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? उसका रीजन ये है बिकॉज ये वायरस से होता है. वायरसेस हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू चेंज दैट स्ट्रक्चर. वायरसेस अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, सो एवरी टाइम द वायरस एंटर्स आवर बॉडी, हमारे बॉडी को लगता है कि वो नया ऑर्गेनिज्म है और हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट नए तरीके से एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है. तो द रीजन वायरसेस कैन अफेक्ट अस इवन आफ्टर द सीजन चेंजेस बैक टू बैक, द सेम वायरस अफेक्ट्स अस बिकॉज दिस वायरस हैज द एबिलिटी टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर. उसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये वायरल डिजीज होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें नॉर्मल टैबलेट्स देता है, विटामिन टैबलेट्स, एंड देन वो हमको देता है एक एंटीबायोटिक, ठीक है. एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, वो बैक्टीरिया को किल करती है. अभी ही डॉक्टर ने बोला है कि आपको वायरल फीवर हुआ है, देन व्हाई दैट डॉक्टर इज गिविंग मी दैट बैक्टीरिया ड्रग, या वो एंटीबायोटिक क्यों देता है? ओके, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा और इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तो वे ये रहे आपके ये वीडियो के क्वेश्चंस. वीडियो नंबर 1 के क्वेश्चन, ओके, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड. टाइफॉइड का क्या, कौन सा टेस्ट कंफर्मेटरी है, एंड कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय व्हाट, कौन से ऑर्गेनिज्म से कॉमन कोल्ड होता है? ओके, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम वहीं पर इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.